अस्सलाम वालेकुम, कैसी है यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। अभी मॉर्निंग स्टार्ट की थी और मॉर्निंग में मैं एप्पल साइडर विनीगर पीने लगी थी। बहुत दिनों बाद ही आज फिर कोशिश की पीने की। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वीक टू वीक जो होते हैं वो कंटिन्यूसली पीती रहती हूँ, और उसके बाद दरमियान में जब आ जाती हूँ तो छोड़ देती हूँ। लेकिन ये पीना चाहिए, इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट होते हैं। इससे नेल्स अच्छे होते हैं, स्किन कलर अच्छी होती है, इससे हेयर बहुत अच्छे हुए हैं। मुझे बहुत इसका फ़ायदा हुआ है, स्पेशली मेरी स्किन पर बहुत इसका इफेक्ट पड़ा था। जब जब मैं ये यूज़ करती हूँ मेरे बालों पर और स्किन पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो बस ये बस मैं लेज़ी हो जाती हूँ और मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन ये पीना चाहिए, बहुत गुड है। तो बस ये पी और उसके बाद फिर नाश्ते की तैयारी करने लगी थी। और नाश्ते में मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं कुछ आज सैंडविच जो है वो स्पेशल बनाने वाला हूँ, तो मैंने वो बना रहे थे और मैंने उनकी वीडियो बना ली। तो ये बस वो बनाने लगे थे चीज़ एग सैंडविच, और ये उन्होंने जो है टमाटोज़, प्याज और हरी मिर्चें, और उसके अलावा सलामी ली है। और ये सलामी जो है ये किसी भी एशियन शॉप से आराम से मिल जाती है, और अगर नहीं भी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा दो अंडे लिए हैं, उसमें सॉल्ट और लाल मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा पेपर डाला है। और डालने के बाद बस इसको मिक्स कर लेंगे। और मेरे हस्बैंड और मैं जब भी हम लोग ऑमलेट बनाते हैं तो हम उसमें लाजमन थोड़ा सा दूध ज़रूर शामिल करते हैं, क्योंकि दूध जो है वो फ्लफ़ी करता है ऑमलेट को, और वो बहुत अच्छा ऑमलेट बनता है। बिल्कुल एक स्पून जो होता है, टीस्पून जो होता है वो हमने शामिल करना होता है, ज़्यादा नहीं। इससे ऑमलेट जो है वो बहुत अच्छा और फ्लफ़ी बनता है। इसके अलावा हरा धनिया जो है वो इसमें शामिल किया है, और बस अब इसकी कुकिंग करने लगे थे। अभी मैं एक बात जो थी वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि जो मेरी तरह बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने अभी वीडियो बनानी शुरू की है और जो अभी बिल्कुल न्यू यूट्यूब पर आए हैं, तो बस मैं उन सब अपनी जो सिस्टर्स हैं उन सब के लिए जो है एक बात करना चाहती थी कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा है, और हम इसको एज अ फन अगर हम लेके चलेंगे कि हम जो कुछ बना रही हैं, कुछ अगर हम में हुनर है कि अगर हम किसको, कुछ लोग जो हैं वो घर की डेकोरेशन अच्छी करती हैं, कुछ लोग जो हैं वो खाना अच्छा बनाती हैं, जो भी हम लोगों के पास टैलेंट है, हम अगर अच्छा खाना बनाती हैं और हम अगर अपने साथ बाकी लोगों के साथ शेयर कर रही हैं, तो हम इसको एज अ हॉबी लेके चलें तो हम जो है वो आई थिंक पुरसकून रह सकती हैं। क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है और ये एक लक है, अगर किसी की लक जो होती है वो चल जाती है, और कुछ लोग जो है वो जल्दी जो है उनका वॉच टाइम पूरा हो जाता है, उनके सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, और कुछ को ज़्यादा स्ट्रगल करनी होती है। तो बस हिम्मत नहीं हारनी है, और अपनी जो है इसको ये नहीं कहना कि हम लोगों ने इसको अपने सर पे सवार करना है, या हम लोगों ने ये कहना है कि हम लोग हमने अपना जो है हर हाल में सब्सक्राइबर पूरे करने हैं और हर हाल में अपना वॉच टाइम पूरा करना है। हमने मेहनत करनी है, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ हमने काम करना है। जो चीज़ हमारा कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की रज़ा पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये जो है ये एक वर्क है, और वर्क जो है उसको हम जितना इंजॉय करके करें और जितना खुशी से करें तो उतना हमारे लिए, हमारे ज़हनी सुकून के लिए अच्छा है। तो बस यही है कि अपनी मेहनत करें और उसके बाद अल्लाह पर छोड़ दें, क्यों फल जो है वो इंशाल्लाह मिल जाएगा, देर से मिलेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा। तो बस अभी जो थे ये अनियंस डाले थे, और उसके अलावा हरी मिर्चें शामिल की हैं। हरी मिर्चों के अलावा अभी टमाटोज और सलामी के जो हैं वो स्लाइसेस रखेंगे। तो बस क्या कहते हैं, नाश्ता जो है ये अभी एक सैंडविच बनेगा, और ये एक सैंडविच जो है ये मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो दोनों खाएंगे। हम लोग इसको हाफ ऑफ करेंगे, और हाफ ऑफ करने के बाद हम इसको अपनी चाय के कप के साथ जो है वो दोनों शेयर करेंगे, क्योंकि ये इतना हैवी होगा कि हम पूरा नहीं खा सकेंगे। ये बहुत हैवी होता है और बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा बना था, डिफरेंट था, और बहुत इसमें फ्लेवर्स भी थे, और ये काफ़ी फीलिंग था। तो बस इसलिए ये जो है ये एक ही बनाया, और एक बनाने के बाद हम लोगों ने शेयर किया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा जो था वो हैवी अच्छा नहीं होता। तो बस इतना सा था कि ये हम लोग एक बना के उसको हमने शेयर कर लिया था। तो बस ये पैन में थोड़ा सा जो है वो ऑयल शामिल किया था, और मेरे हस्बैंड ने जो लेफ़्ट ओवर जो मिर्चें वगैरह थी वो उन्होंने उसमें ऑमलेट में शामिल कर दी। टमाटोज़ उन्होंने शामिल नहीं करने थे। तो बस ये अब इस तरह ऑमलेट जो है वो पैन में रख दिया, और थोड़ा सा जो एग मिक्सचर था वो उसके ऊपर ऐड कर दिया,
और इसको थोड़ा सा बहुत हल्की आँच पे इसको कुक करने के लिए छोड़ा था, और इसको जब हमने पलटा है तो पलटने के बाद इसमें बाकी जो मिक्सचर था एग का वो साइडों पे डाल दिया है, और ये थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ जो थी वो उसके ऊपर ऐड की है। ऐड करने के बाद इसको बहुत स्लो हीट पे रखा था, तकरीबन 5 to 6 जो थी मेरी इलेक्ट्रिक बर्नर है उसके हिसाब से, तो बस उस पर रखा था कि ये बर्न ना हो और इसके कुक भी हो जाए। तो बस ये मेरा, ये आप देख लें, ये साथ एग भी थोड़ा सा था वो भी साथ तैयार हो गया था और सैंडविचेस भी। नाश्ते से फारिग हुए थे, नाश्ते से फारिग होने के बाद आज मैंने शाम के खाने में बनाना था यखनी चना पुलाव, और उसके लिए मैंने अपने प्याज जो थे उसको ब्राउन करने के लिए छोड़ दिया था। प्याज का जितना अच्छा कलर आएगा, जितने अच्छे ब्राउन होंगे, उतने ही अच्छे चावलों का कलर आएगा। ये बहुत अच्छी टिप है, कभी भी प्याज जो है उनको वाइट वाइट नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जितना अगर प्याज वाइट रह जाता है तो वो फिर चावलों का अच्छा कलर नहीं आता, तो और इतना भी ज़्यादा नहीं हो कि वो बर्न हो जाए। तो बस ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसका जितना भी कलर था वो मैंने निकाल लिया था, बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के इस तरह पका ले ताकि उसका कलर जो है वो सारा बाहर आ जाए। यही कलर जो है हमारे चावलों को जो है वो अच्छा सा एक रंग देगा। और मैंने अपनी यखनी जो थी वो मैंने बना के रखी हुई थी, मुझे जब हम लोग यहाँ पे हम लोगों को इकट्ठे जो है वो मीट लेना पड़ता है, मीट या चिकन हम जो भी लेते हैं, तो मैंने जब लैम लेकर आती हूँ तो फिर उस वक्त तो इस तरह होता है कि उसमें बहुत सारी अगर हड्डियाँ होती हैं तो मैं वो हड्डियाँ निकाल के उनको, कुछ हड्डियाँ और कुछ थोड़ा सा उसमें जो मीट होता है वो निकाल कर तो मैं यखनी बना लेती हूँ। और यखनी बनाने के बाद वही जैसे प्रोसेस होता है, उसमें अदरक लहसुन डालकर उस पर एक गाजर डाल दी, उसमें एक प्याज डाल दिया, और मैंने उसमें ज़ीरा, साबुत धनिया और गरम मसाला और ब्लैक पेपर, हरी मिर्ची, ये सब कुछ शामिल करके तो मैं उसको प्रेशर कुकर कर लेती हूँ या वैसे ही उसको हांडी में डालकर काफ़ी सारा जितना पानी मुझे चाहिए होता है डालकर तो मैं उसको यखनी को जो है वो पका लेती हूँ। तो अभी ये जो मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, बादियान का फूल डाला है, बिरयानी मसाला डाला है, और इसके अलावा जो है मैंने इसमें एक क्लोव डाली है और एक जो है वो सिनेमन स्टिक डाली है, और इसके अलावा मैंने गरम मसाला डाला है। और डालने के बाद मैंने ये इसमें बस इसको हल्का सा मैं इसको बस भूनूंगी, और भूनने के बाद मैं इसमें अपने चने जो हैं वो शामिल कर दूंगी। तो मैंने वो जो यखनी बनाई थी, बनाने के बाद जैसे ही वो मेरी यखनी जो है वो ठंडी हो गई थी, तो ठंडी होने के बाद उसको मैंने, क्योंकि जितना मुझे पता है कि मेरे घर में कितने चावल बनते हैं फैमिली के हिसाब से, तो मैं वो इस तरह करती हूँ कि जैसे अगर मैंने एक ग्लास चावल बनाने हैं तो मैंने एक ग्लास के साथ दो ग्लास जो है वो यखनी वो उस तरह के मैंने बैग्स बना लिए थे, और बैग्स बनाने के बाद मैंने उनको दो डबल बैग्स में डालकर, फ्रीज़र बैग जो होते हैं उनमें डालने के बाद मैंने उनको फ्रीज़ कर लिया था। तो इससे ये मेरी, मुझे सहूलत हो जाती है कि जब कभी अगर मुझे जैसे ये चना यखनी पुलाव बनाना है, मटर पुलाव बनाना है, ये कुछ भी ऐसी चीज़ बनानी है जिसमें मुझे यखनी की ज़रूरत है, तो मैं बस फ्रीज़र से यखनी निकालती हूँ और उसको गर्म करती हूँ और अपने चावलों में शामिल कर लेती हूँ, तो मुझे दोबारा से अलहदा से मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम उसको इस तरह यखनी बनाकर हम इसको कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक फ्रीज़र में रख सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो बस मैंने ये अभी इसमें चने शामिल किए, चने शामिल करने के बाद मैंने हरी मिर्चें साबुत ऐसे ही शामिल कर दी, अच्छी लगती हैं पुलाव में, और बस मैंने इसके अच्छा सा जब मेरा ये भुन गया चने, क्योंकि ये मैंने टिन वाले यूज़ किए थे और ये कुक्ड चने थे तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता कुक होने में, तो बस मैंने बस इतना सा करना था कि जो मसाले के साथ जो है ये अच्छी तरह भुन जाए, और इसमें मैंने साबुत ज़ीरा भी शामिल किया था। तो बस ये जब जैसे ही हल्का सा मसाले के साथ अच्छा सा पक जाएगा तो उसके बाद मैं अब इसमें अपनी यखनी शामिल कर दूंगी। यखनी शामिल करने से पहले पुलाव में मैं हमेशा जो है वो एक चम्मच जो है वो भर के दही का शामिल करती हूँ। आप लोगों के लिए शायद नई चीज़ होगी, लेकिन आप इससे बनाइएगा, इससे चावल बहुत क्रीमी और बहुत मज़े के बनते हैं और बिल्कुल खिला खिला चावल होता है, और चावल जो है वो बहुत अच्छा और नरम बनता है। तो मैंने ये एक चम्मच दही इसमें शामिल किया है और बस इसको मैं इतना सा चलाऊँगी कि इसमें कोई ये फटे नहीं और इसमें कोई गिठली ना रह जाए। तो बस इसको कंटिन्यूसली थोड़ा सा चलाने के बाद, तो उसके बाद मैं इसमें अपनी जो यखनी है वो शामिल कर दूंगी। मैंने इसको माइक्रोवेव किया था, थोड़ी सी माइक्रोवेव किए थे और थोड़ी सी जो थी वो ऐसी ठंडी सी थी, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि मैंने ये किस तरह इसको बनाया था और किस तरह ये फ्रीज थी, तो मैंने इसको इसी तरह निकाल लिया, वरना मैं इसको सारी को माइक्रोवेव करती तो ये अच्छे तरीके से सारी मेल्ट हो जानी थी और फिर मैं इसको अपने चावलों में शामिल कर सकती थी।
लेकिन मुझे क्योंकि आप लोगों को दिखाना था तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे ही बीच में शामिल कर दिया। ये देख सकते हैं कि इसमें अभी बर्फ़ जमी हुई थी, लेकिन इसको जब पकी है तो ये बिल्कुल ठीक हो गई थी। और जैसे इसमें एक दो बॉयल आए हैं और यखनी अच्छे तरीके से जो है वो पक चुकी थी, तो मैंने उसके बाद ही इसमें अपने राइस शामिल कर दिए। राइस शामिल करने के बाद जब राइस बिल्कुल थोड़े से पकने पे आए, तो उसके बाद मैंने उसमें दो टमाटोज जो थे वो ऐड किए थे। मैं हमेशा जब चावल जो पकने पे आते हैं तो उसके बाद ही उसमें टमाटर शामिल करती हूँ, इससे टमाटोज के साथ चावल बहुत अच्छे बनते हैं तो, और वो थोड़े खिले खिले से भी रहते हैं। तो बस अभी इसको, इसका पानी जो है वो ड्राई होने तक मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी। हर किसी के चावल बनाने का अपना तरीका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चावल इस तरीके से बनाने से बहुत मज़े के बनते हैं। और ये जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके जो रखी होती है, इससे ये होता है कि अगर एकदम से कोई मेहमान आ जाते हैं तो इजी हो जाता है काम, कि आपको एकदम से पहले यखनी नहीं बनानी पड़ती और आपको दोबारा से सारी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है। तो थोड़ा बहुत जो है वो वक्त के साथ जो है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हर माँ जो है वो बिज़ी है, बच्चे हैं उनको साथ, उनको बहुत सारी काम होते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे जो है वो हमें चलना चाहिए कि हमारे लिए टाइम जो है वो ईज़ी हो जाए, खाना भी बन जाए और हम थके भी नहीं। तो बस इसीलिए जो टाइम का होता है वो उसको ध्यान में रख के हर काम करना चाहिए। अभी इसका पानी जो था वो ड्राई हो गया था और मैंने अब इसको दम लगाऊंगी। और मैं जब भी दम लगाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल हल्का सा उसमें मॉइस्चर हो, बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, क्योंकि बिल्कुल ड्राई होने के बाद जब हम उसको दम करते हैं तो वो जो है वो, क्योंकि इतने अच्छे नहीं बनते, हल्का सा जो है वो मॉइस्चर चावलों में रहना चाहिए और उसके बाद फिर उसको दम लगा दें। तो ये देखें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे चावल देखें आप कितने अच्छे बने हैं, कलर भी कितना अच्छा है और कितने खिले खिले से, और बिल्कुल कोई चावल जो है वो नीचे नहीं लगता है और बहुत अच्छे जो हैं वो चावल बने हैं। और इस तरह यखनी डालने के साथ इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो गया, फ्लेवर बढ़ गया था, क्योंकि जो हड्डी हम जो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारी वो खाने में होती हैं, हम उसको सालन में डाल देते हैं और सालन में हम खाते भी नहीं हैं, तो वो हमारी जो वो होती वो ज़ाया जाती हैं। तो वही जब अगर हम एक दफ़ा ले के आते हैं मीट वगैरह, तो उसमें से हम अगर हड्डियाँ निकाल लें और इस तरह यखनी बना के उसकी रख लें, तो हम उसको चावल में यूज़ कर सकते हैं, दाल में यूज़ कर सकते हैं, तो वो बहुत एक काम की चीज़ हो जाती है। तो ये मैंने थोड़ी सी शामी जो थी ये फ्राई करने लगी थी। ये मेरे चिकन के और आलू के कबाब है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। और ये मैंने चावलों के साथ जो थी वो बनाई है, और ये बस रात का खाना था, और साथ में मैंने दही की चटनी बना